कोशिश कर रहा है कोई भी है जिस पर अपना हाथ फिर रहा है। कैसा हो गया सोई हुई और जी वो तो कहाँ ही आती है। हेलो मैं सोने के लिए कुछ कुछ नींद की गोलियों का सहारा ले लेती हूँ। अरे दवाई तो ले लेती हूँ पर सो तो फिर भी कांड। अरे मैं तो कब से कह रहा था शर्मा बैठा ले अपनी लड़की को घर के अंदर बड़े पगले निकल रहे थे इसके अब बैठी होगी किसी कोने में अपना मुंह वाला के रास्ते गए उधर मेरी लड़की होती ना फिर मैं बाहर निकल रहता बाहर निकल के तो उसी जगह में तोड़ देता लेकिन नहीं जी लड़की इसकी है ये बूढ़ा उठी और ये भाई कुछ ना करेगा करना भी पड़ेगा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ इतना क्योंकि उसकी ना नहीं सुनता सुनू भी क्यों शादी कर लाया था जब बोलूंगा वो ले लेगी। अरे तो क्या उसका मन नहीं अरे मेरा तो है ना और ये समाज में लिखे लोग कहते हैं पत्नी ने पत्नी को रेप कर दिया जनाब उसे हमारे यहाँ पे प्यार कहते हैं आपके यहाँ पे। अरे कब तक यूं बैठी रहता रहेगा मैं बार बार कर दवाई की धारा 375 में साफ साफ लिखा है कि रेप भाभी करेगा ना भाई और कौन करेगा और भी कब ऊपर बैठा है अब अपने भाई को ले मेरे भाई ने सबके चल
मेरी बंद अंधेरे कमरे से कोई झांकता हुआ ऐसा नजर आता है, खाली सांस, टूटा हुआ, थका हुआ, कहीं किसी दीवार के कोने में बैठा खुद को महफूज समझता हुआ कुछ ऐसा ही नजर आता है ना वो इंसान। एनसीआर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 28,046 बलात्कार के मामले दर्ज हुए, यानी औसतन करीब 77 मामले प्रतिदिन। द टाइम्स ऑफ इंडिया की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार 192 लोगों ने बलात्कार के बाद खुदकुशी को गले लगाया।